सतमन भाई साहब से हमारा संबंध तो जन्म से ही है और बचपन में जब चित्रगुप्त मंदिर में नाटक वगैरह होते थे तो वो डायरेक्शन वगैरह हम लोगों को देती थी। हमको अच्छी तरह याद है कि एक एकांकी हुआ था जब हम शायद 9th क्लास में थे तो उस समय सतमन भाई साहब ने डायरेक्ट किया और उसका नाम था सबसे बड़ा आदमी। उसके बाद फिर हम लोग कॉलेज में गए तो कॉलेज में जब गए तो उसके पहले हमारे प्रमोद भाई साहब थे उस समय कॉलेज में और सतमन भाई साहब उस समय MA फाइनल कर रहे थे, शायद सेकंड वाला था, तो इकोनॉमिक्स का था या हिंदी का था। तो हम उस समय 10th क्लास में पढ़ते थे तो पता चला कि मुकेश आने वाले हैं तो प्रमोद भाई साहब ने बुलाया कि मुकेश आ रहे हैं सागर में, आ जाओ तो प्रोग्राम देखने मिल जाएगा। तो गए थे तो वो क्या हुआ था उस दिन प्रोग्राम में कि मुकेश के साथ मटका बजाने में भाई साहब ने मटका बजाया और एक दो गानों में तो ठीक है स्टेज पर, उसके बाद क्या हुआ कि मुकेश ने हमसे सब लोगों से ये कहा कि आज 18 जनवरी थी, 18 जनवरी मुकेश सहगल का जन्मदिन है, पुण्यतिथि है और दिन सहगल साहब का अगर हमको पता होते, याद होता कि सहगल आज के दिन नहीं रहे थे तो हम शायद आपके प्रोग्राम में नहीं आते, तो हम सहगल के गाने सुन रहे हैं। मुकेश ने बहुत देर तक सहगल के गाने सुनाए, उसके बाद 420 फिल्म उस समय बहुत तेज़ी से चल रही थी तो छात्रों ने उनको कहा कि 420 के गाने सुनाओ, एक दो सुनाए फिर वो सहगल के गाने सुनाए, तो उससे मुकेश को बहुत बुरा लगा था। उन्हें जल्दी कार्यक्रम ख़त्म करके वो हॉस्टल में आ गए थे पुरानी साइट, जिस कमरे में वो ठहरे थे उस कमरे में पर उनको इतना शौक लगा था उस दिन कि वो सहगल के गाने रात के 11 बजे से 10 बजे रात के से लेके उस समय 4 बजे तक गाते रहे और सत्यमोहन भाई साहब की हम लोग दाद देंगे कि लगातार 6-7-8 घंटे करीब करीब वो मटका बजाते हैं। वो एक हम लोगों ने उनका एक प्रतिभा देखी मटका बजाने की, स्वयं भी वो बहुत अच्छा गा सकते और सागर यूनिवर्सिटी में बाद में एक्टिंग के हिसाब से यदि उस समय ध्यान दिया जाता तो एक्टिंग के हिसाब से भी वो आगे बढ़ सकते थे। इस बात को हमने ज्वाला प्रसाद तिवारी से कहा, पंडित ज्वाला प्रसाद तिवारी दमोह के MNT स्टूडियो के थे जो कहा करते थे कि महफिल में जल उठी क्षमा वाला गीत जो है लता मंगेशकर का सबसे पहला गीत है, उनके फिल्म निराला में गाया गया, लता मंगेशकर को उन्होंने ही लिप्त दी थी। तो वो बूढ़े थे हम लोगों से 20-25 साल बड़े हुए और हमारे क्लाइंट थे। तो एक बार हम लोग पाटन में बैठे हुए थे ज्वाला प्रसाद तिवारी और हम सुरेश बोली, तो उन्होंने कहा जब ये बात कही कि लता मंगेशकर को हमने आगे बढ़ाया है तो अब हम लोगों में उम्र का वो नहीं था, हमने कहा आप तुमने कछु नहीं करो, यही शब्द थे उनके, बूढ़े थे बुजुर्ग, हमने कहा तुमने करो कहा है, कहने लगे क्यों हमने क्या नहीं किया, हमने कहा देखो दमोह से आपने क्या किया, किसको आगे ले गए, क्या दमोह में था कौन, तो हमने उनसे कहा जयाशंकर अग्रवाल की आवाज़ ऐसी थी जो अगर फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच जाती तो तलत महमूद शरीफ की एक यूनिक आवाज़ होती, और हमने कहा सत्यमोहन वर्मा सिंह के एक्टर और निर्देशक दमोह के अंदर ही रह गए और वो आगे नहीं बढ़ पाए। वैसे ये सही बात है जो हम तीसरी कसम का बता रहे थे, उस समय मिठल भाई पटेल के साथ उनको भी लिफ्ट मिल सकती थी, वो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उस समय एक सबसे बड़ी विडम्बना ये थी कि दद्दा जो चुन्नीलाल साहब थे, DL वर्मा साहब थे, वो बीमार रहते थे, कप्पू भी मतलब उनकी उनके सिस भी बीमार रहती थी और यहाँ कोई नहीं था, न कृष्णा दद्दा थे, न भरत थे, न हरी थे, न शत्रुघ्न थे, तो कोई ना रहे, शैलेन भी चले गए थे, तो उस समय जो है यहाँ उनको अकेला पूरा घर संभालना पड़ा, आज भी संभाल रहे हैं, सारे भाइयों का सब कुछ वही संभाल रहे हैं और सबकी फिक्र वही रहते हैं। तो उनके ऊपर सतमन भाई साहब के बारे में कितना कहा जाए, वो इतने सारे हमारे संपर्क उनसे रहे हैं, उनके संबंध में हमने जाना है कि अगर हम ज़्यादा समय लेंगे तो 10 घंटों बीत जाए। हम ये कामना करते हैं कि सतमन भाई साहब शतायु हो और शतायु जब वो हो तो हम लोग भी उनकी शतायु समारोह में उनको बधाई दें।